Hello everyone, welcome back to the Amalgamation MCQ series which we have started, and this is the part 3 of the Financial Accounting Syllabus TYBCOM Semester 6, and we are discussing the important MCQs of the subject Financial Accounting, and the chapter which we have started discussing is Amalgamation. So already I have covered 2 lectures of this chapter called as Amalgamation. If you have not yet seen those videos, first see that videos because those videos will be an extension related with this chapter. ये जो आज का session है वो पहले के videos से ही related है, तो इसमें कुछ हम practical based MCQs को भी पढ़ेंगे, as well as जो questions इसके पहले नहीं हुए थे उसको भी cover up करवाऊंगा, ताकि overall एक chapter में जो basic चीज़ें हैं वो सारी आपकी revise हो जाए, और MCQ किस तरीके से आपको paper में पूछे जा सकते हैं वो सारी चीज़ें हम एक एक करके यहाँ पर discuss करेंगे. तो question number 1 आपके सामने है. The amalgamation adjustment reserve is posted in the balance sheet under the head. तो amalgamation adjustment reserve हमें create करना पड़ता है. अगर आप जानते हैं तो इस पूरे chapter में हमें जो statutory reserve होते हैं उस statutory reserve के लिए we are passing a separate entry called as amalgamation adjustment account debit to the statutory reserve. तो ये जो amalgamation adjustment reserve account create होता है, ये reserve बैलेंस शीट में कौन से हेड के अंदर लिखा जाता है, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, करंट असेट्स या करंट लाइबिलिटी. काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है. तो ये जो रिजर्व होता है ये रिजर्व्स एंड सरप्लस के हेडिंग में ही लिखा जाता है, लेकिन ये जो रिजर्व्स एंड सरप्लस के हेडिंग में ये रिजर्व जो है वो माइनस किया जाता है. ध्यान रखना, दिस रिजर्व विल बी डिडक्टेड इन द रिजर्व्स एंड सरप्लस हेडिंग. पॉइंट नंबर सेकेंड इज डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड लॉस, करंट असेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज. सो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स जो है ये किसका एग्जाम्पल है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का, एक्यूमुलेटेड लॉस का, करंट असेट्स का या करंट लाइबिलिटीज का. तो ध्यान रखना, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स जो है दिस इज द एग्जांपल ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉस, तो इसका राइट आंसर बनेगा एक्यूमुलेटेड लॉस. क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे. व्हेन अमालगमेशन इज इन द नेचर ऑफ मर्जर द अकाउंटिंग मेथड इज, ध्यान से काफी इंपॉर्टेंट, अमालगमेशन अगर आपका नेचर ऑफ मर्जर में है, एक होता है नेचर ऑफ मर्जर और एक होता है नेचर ऑफ परचेज. ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो अगर आपका अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज है तो कौन सा मेथड फॉलो होता है, बट यहाँ पे पूछा है अमालगमेशन अगर आपका इन नेचर ऑफ मर्जर है तो कौन सा मेथड फॉलो होगा. व्हेन अमालगमेशन इज इन द नेचर ऑफ मर्जर द अकाउंटिंग मेथड टू बी फॉलोड इज इक्विटी मेथड, परचेज मेथड, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड एंड डिबेंचर मेथड. ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इसमें से 2 MCQs बन सकते हैं. द फर्स्ट MCQ विल बी व्हेन अमालगमेशन इज इन द नेचर ऑफ परचेज, तो परचेज में आप फॉलो करते हो परचेज मेथड, एंड अगर नेचर ऑफ मर्जर है तो मर्जर में आप फॉलो करते हो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड. तो विच इज द मेथड, दैट इज कॉल्ड एज पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड. तो व्हेन द अमालगमेशन इज इन द नेचर ऑफ मर्जर वी आर फॉलोइंग पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी. हाँ, क्वेश्चन है, इफ 8 इक्विटी शेयर्स आर इशूड फॉर 5 इक्विटी शेयर्स हेल्ड ऑफ ₹10 ईच एट ₹11 एंड इफ द इक्विटी शेयर कैपिटल इज 4 लाख, फेस वैल्यू इज ₹10, द वैल्यू ऑफ द परचेज कंसिडरेशन विल बी. सबसे पहले आपको क्या करना है, हेल्ड इज टू इशूड लिखना है. क्या करना है, हेल्ड इज टू इशूड. तो हेल्ड के सामने अभी हम लिखेंगे कितने शेयर्स है, 5, और इशूड कितने कर रहे हैं, 8 इक्विटी शेयर्स वी आर इशूइंग. दैट मीन्स 5 इक्विटी शेयर्स रहेंगे तो हम 8 इक्विटी शेयर्स को इशू करेंगे. 5 इज टू 8, तो हमारे पास 4 लाख वैल्यू है. 4 लाख को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो वी विल बी गेटिंग द आंसर एज 40,000. तो 40,000 के बदले में कितना इशू किया जाएगा, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है अभी. 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइडेड बाय 5, तो यू विल गेट द आंसर एज 64,000. ठीक है,
हमको टोटल वैल्यू ढूंढने बोला है परचेस कंसिडरेशन की, तो 64,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 इच के जगह पे 11 वैल्यू दे दिया है इन्होंने, तो ₹11 का वैल्यू रहेगा। 64,000 को हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको वैल्यू मिल जाएगा 7,04,000। कितना वैल्यू बनेगा? 7,04,000। तो इसका राइट आंसर बनेगा 7,04,000। आई होप दिस कैलकुलेशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट पॉइंट, इफ 10% डिवेंचर्स इज ₹2,40,000 एंड इट इज कन्वर्टेड टू 15% डिवेंचर्स ऑफ ₹1,60,000, देन द बैलेंस ऑफ ₹80,000 इज ट्रांसफर्ड टू। काफी सिंपल है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आपका डिबेंचर्स 10% से 15% में कन्वर्ट हो रहा है तो जितना भी आपके डिबेंचर्स कन्वर्शन में जो डिफरेंस रहेगा वैल्यूज में, वो डिफरेंस को हम कहाँ लिखने वाले हैं? वो डिफरेंस को हम कहाँ लिखेंगे? जनरल रिजर्व में, कैपिटल रिजर्व में, डिबेंचर रिजर्व में या प्रॉफिट एंड लॉस में? तो इसको हम लिखेंगे कैपिटल रिजर्व में। तो 80,000 विल बी ट्रांसफर्ड डायरेक्टली टू कैपिटल रिजर्व। नेक्स्ट इज, इफ ट्रेड क्रेडिटर्स इज ₹3,80,000 एंड म्यूचुअल ड्यूज टू बी एडजस्टेड इज ₹80,000, देन द वैल्यू ऑफ द क्रेडिटर्स अंडर ट्रेड पेएबल्स विल बी। देखो, क्रेडिटर्स में एडजस्टमेंट आता है म्यूचुअल ड्यूज ऑफ क्रेडिटर्स एडजस्टेड, तो उसके लिए एक जर्नल एंट्री हम पास करते हैं। अगर क्रेडिटर्स पे कोई एडजस्टमेंट आएगा तो हम एंट्री करते हैं क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। सिमिलरली, इफ यू हैव एडजस्टमेंट ऑन बिल्स पेबल एंड बिल्स रिसीवेबल, तो वी आर पासिंग द एंट्री बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट किया जाता है और डेटर्स अकाउंट क्रेडिट किया जाता है, और जो भी आपका म्यूचुअल ड्यूज होता है वो दोनों हम क्रेडिटर्स और डेटर्स में से डिडक्ट कर लेते हैं, लेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका 3,80,000 क्रेडिटर्स का वैल्यू है और उसमें से म्यूचुअल ड्यूज एडजस्ट करना है 80,000, तो 3 लाख में से अगर हम 80,000 एडजस्ट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 3 लाख। तो वी आर गोइंग टू राइट इन द ट्रेड पेएबल्स हेडिंग इन द बैलेंस शीट वैल्यू 3 लाख, 3,80,000 में से 80,000 माइनस हो। नेक्स्ट इज, डिबेंचर्स कन्वर्टेड इज पोस्टेड अंडर द हेड डैश इन द बैलेंस शीट। तो डिबेंचर्स जो है वो जो हम कन्वर्ट करने वाले हैं, से फॉर एग्जांपल 10% डिबेंचर्स को हमने 15% डिबेंचर्स में कन्वर्ट किया, तो जो आपके 15% डिबेंचर्स होंगे उसको हम कहाँ लिखेंगे? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, करंट लाइबिलिटीज या शॉर्ट टर्म प्रोविजन्स? तो उसको हम लिखते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के हेडिंग में। तो वी विल बी राइटिंग डिबेंचर्स अंडर द हेडिंग ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द कॉस्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज पेड बाय न्यू कंपनी, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज डेबिटेड। अगर आपका कॉस्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन, जैसे कि कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन, कॉस्ट ऑफ अमालगमेशन, ये जो एक्सपेंसेस है, ये अगर न्यू कंपनी पेमेंट करेगी तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, गुडविल अकाउंट या कैपिटल रिजर्व अकाउंट? तो ये हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर लिया था। इसका जर्नल एंट्री काफ़ी सिंपल है। इसका जर्नल एंट्री होता है गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, क्या होता है एंट्री? गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये आपकी जर्नल एंट्री होती है। आपको ध्यान रखनी है इन केस ऑफ योर गुडविल, इन केस ऑफ योर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो इसका कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? गुडविल अकाउंट आपका इस केस में डेबिट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड एज स्टैट्यूटरी रिजर्व एंड कैन बी कैरीड फॉरवर्ड। तो इनमें से कौन सा स्टैट्यूटरी रिजर्व माना जाएगा? कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट या एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व? तो काफी सिंपल है, हमने ऑलरेडी स्टैट्यूटरी रिजर्व की लिस्ट को डिस्कस कर लिया था। तो इसका राइट आंसर बनेगा एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व। तो एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज, इफ 4,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स आर इशूड ऑफ ₹100 ईच एट ₹105, द वैल्यू ऑफ प्रीमियम विल बी। यहाँ पे प्रेफरेंस के बेसिस पे प्रीमियम की वैल्यू पूछी है। तो देखो, फेस वैल्यू आपका कितना है? फेस वैल्यू है 100 और इश्यू वैल्यू है 105,
तो आपका डिफरेंस, आपका यहाँ पे डिफरेंस है 5 रुपीज़ का, और प्रेफरेंशियर्स के वैल्यू या डिनोमिनेशन है 4,000 प्रेफरेंशियर्स, को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ प्रीमियम एज ₹20,000। तो इसका राइट आंसर बनेगा 20,000। तो 20,000 इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। तो दिस इज द पार्ट विच वी हैव डिस्कस टूडे। तो हमने ये सारे पॉइंट्स आज डिस्कस कर लिए हैं। टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर ले, लास्ट मिनट रिवीजन विद RSM। ऐप डाउनलोड कर ले, ऐप पे भी काफ़ी सारे जो मटेरियल्स है वो आपको फ्री में अवेलेबल है, और काफ़ी सारे पेड कोर्सेज भी अवेलेबल है, जो आप चाहे तो पेड कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर ले, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके अपने फ्रेंड्स में इसको ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल पाए। थैंक यू वेरी मच। एज ऑलवेज, वर्क हार्डर, बी स्मार्टर।